वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो बहुत एंटरटेनिंग होने होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो सारी डिटेल से बात करेंगे और आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई बंदा नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पूरा वीडियो मजेदार होने वाला है, तो देखते देखिएगा पूरा पूरा वीडियो। और मिलते हैं छोटे से म्यूजिक के बाद, जिसमें सारी डिटेल से बात करेंगे सारी चीजों के बारे में, बहुत सारे झूठ भी पकड़ेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग। तो दोस्तों, जैसा इंट्रो मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो उन्होंने अभी रिसेंटली उनकी मूवी आई है उसमें उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसके बारे में। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं एंटी शाहरुख खान बंदा नहीं हूं, ना मैं किसी बॉयकॉट शाहरुख खान या बॉयकॉट पठान गैंग का मेंबर हूं। मैं ना उनकी मूवी के बारे में बात कर रहा हूं, हम लोग आज के वीडियो में बात कर रहे हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, उन्होंने अपने फिजिक के अंदर जो अमेजिंग चेंजेस किए हैं उनके बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो चेंजेस नेचुरल हैं या नहीं है, इस बारे में बात कर रहे हैं। रही बात मेरी, तो शाहरुख खान की काफी मूवीज का, उनके एक्टिंग का काफी अच्छा मैं सपोर्टर हूं और उनका फैन भी हूं। लेकिन जहां बात आती है उनकी फिजिक की, वहां पर जरूर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, एज अ पर्सन ट्रेनर, एज अ पर्सन जिसको नॉलेज है इन चीजों के बारे में। तो आज वही सारी बातें डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। आपने रिसेंटली उनकी मूवी देखी होगी पठान, जिसमें उन्होंने बहुत चिजल्ड बॉडी दिखाई है लोगों को, अपने सिक्स पैक एब्स दिखाए हैं, लव हैंडल्स जबरदस्त हैं, उनकी पूरी फिजिक ऐसा लग रहा है जैसे किसी ग्रीक गॉड की हो। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ये किया है, उन्होंने पहले भी कुछ मूवीज में ऐसे चेंजेस करके दिखाए हैं। जैसे उनकी कुछ साल पहले मूवी आई थी जिसका गाना बहुत फेमस हुआ था, दर्दे डिस्को, यस दर्दे डिस्को, ओम शांति ओम मूवी थी, यस मुझे याद आया, ओम शांति ओम मूवी में भी उन्होंने काफी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाई थी और लोगों को बहुत हैरान परेशान भी किया था कि एक आदमी इतने चेंजेस कैसे लेके आया अपने बॉडी में इतनी जल्दी से। तो ऑब्वियसली जब कोई एक्टर या सेलिब्रिटी ऐसे कोई चेंजेस लेके आता है तो उस पर क्वेश्चन ही बहुत सारे उठते हैं। और पहला क्वेश्चन जो फिटनेस एंथुसियास्ट का होता है, कॉमन पर्सन का होता है, वो ये होता है कि क्या ये नेचुरली चेंज किया गया है। देखिए, शाहरुख खान साहब हैं, उन्होंने अब तक नहीं बोला है इस बारे में कुछ भी प्रेस में आके या उसमें कि मैंने कैसे चेंजेस किया। जैसे अगर आप पहले कुछ सेलिब्रिटीज हैं उनको उठाएं, उनको देखें, जैसे आमिर खान साहब थे, उन्होंने तो काफी प्रमोट किया था कि उन्होंने किस तरह का रेजिम लेके आए, उनके ट्रेनर्स भी काफी बातें बोले थे, उनका शेड्यूल पे भी और उनके डाइट पे काफी बातें चली थी, लेकिन शाहरुख खान साहब ने इतनी ज्यादा नहीं बोली है। हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो उनके जो ये शाहरुख खान साहब जो है, इनके जो ट्रेनर हैं प्रशांत सावंत कुछ नाम है शायद उनका, उन्होंने जरूर कुछ दिन पहले, पठान रिलीज होने से कुछ दिन पहले इस बारे में बयान दिया था। और उनका जो इंटरव्यू है वो इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके ऑनलाइन, उसमें भी छपा था और उसमें भी, तो उसकी क्लिप में डाल दूंगा। उन्होंने दावा किया था कि ये शाहरुख खान साहब को पिछले 25 साल से ट्रेन कर रहे हैं और कर रहे होंगे बिल्कुल, बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी ट्रेनर। वरुण धवन साहब को, अजय देवगन को, काफी सेलिब्रिटीज को उन्होंने ट्रेन किया है, तो बकायदा किया होगा। लेकिन जो आर्टिकल में अगर आप आगे ही पढ़ें तो वो कहते हैं कि उन्होंने एवरी डे अराउंड 45 मिनट्स ट्रेनिंग की है। तो उन्होंने कैसी ट्रेनिंग की है, क्या किया है, पॉसिबल है नहीं है, इस बारे में बात करें। इससे पहले हम बात करते हैं शाहरुख खान साहब की, कि शाहरुख खान साहब का बॉडी टाइप एक्चुअली है क्या। मैं शाहरुख खान साहब की कुछ पुरानी पिक्चर्स डालूंगा जब वो यंग थे। ऑफकोर्स अभी भी यंग ही दिखते हैं, इस मूवी में जो उन्होंने दिखाई है बॉडी वो तो यंगस्टर्स को भी फेल कर रही है। बट फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द रिकॉर्ड, ही इज 57 ईयर ओल्ड एज ऑफ नाउ। तो काफी अच्छी खासी एज है। लेकिन जब उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी या कुछ इनिशियल मूवीज में आए थे, उस टाइम अगर उनकी फिजिक को आप देखें तो उनकी फिजिक थोड़ी सी एंडोमॉर्फ की तरफ थी, चिजल्ड तो बिल्कुल भी नहीं थी, स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं थी, श्रेडेड बिल्कुल भी नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप गौर से देखें तो ये कैटेगरी में आते थे जिसको आप बोल सकते हैं चॉकलेटी चबी काइंड ऑफ लुक था उनका। और उसके बेस पर अगर देखें तो मैं इनको अराउंड एंडोमीजो काइंड ऑफ फिजिक में रख सकता हूं। हाइट बहुत ज्यादा नहीं है शाहरुख खान साहब की, तो ऑफकोर्स उनका स्ट्रक्चर छोटा है,
शोल्डर्स कभी भी बहुत ज्यादा वाइड नहीं रहे हैं ना इस मूवी में जो उन्होंने दिखाई है उसमें है, लेकिन हाँ उन्होंने मसल मास भी काफी अच्छा गेन किया है अपने बाइसेप्स पे, अपने शोल्डर्स पे। तो यस, जो उन्होंने मेहनत करी है वो काबिल तारीफ है। लेकिन अब बात करते हैं उनकी एज की, अब बात करते हैं उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर की। जेनेटिक स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया कि उनका बॉडी टाइप एंडोमीजो के अराउंड था, जो आप इनिशियल उनकी मूवीज को जो स्टार्टिंग की हैं उनको देख के आप पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी एज की। जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी एज इस टाइम जो आप नेट पे भी ढूंढेंगे या उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह हैं उन पे भी देखेंगे तो ही इज 57 ईयर ओल्ड नाउ। 57 ईयर ओल्ड बंदा मेहनत करनी शुरू करता है तो वो कितना पहुंच सकता है अपनी मेहनत से इस चिजल लुक के लिए, ये पॉसिबल कितना है कितना नहीं है, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आफ्टर 40 आपका मेटाबॉलिज्म रेट नीचे कितना शुरू हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म रेट नीचे करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक नहीं बना सकते, इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो जो यंगस्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज को नीचे लाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एंड्योरेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ज्यादा कार्डियो करना पड़ेगा। एक बात और बहुत तरीके से जाहिर है कि आप पहले न्यूज में सुन भी चुके हैं या आपने पढ़ा भी होगा कि शाहरुख खान साहब की बैक में इंजरीज पहले काफी हुई हैं, उन्होंने सर्जरीज भी कराई थी अपनी बादशाह मूवी वगैरह के टाइम पे। तो शाहरुख खान की बैक में इंजरी है, लेकिन जो इनके ट्रेनर हैं प्रशांत सावंत वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि इन्होंने वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करी है पिछले 3-4 साल में इस करंट लुक को पाने के लिए, और इनकी जो मेन एक्सरसाइज थी उनमें उन्होंने अपनी कोर पे, अपनी लेग्स पे और अपने जो ओवरऑल स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है जैसे कि डेडलिफ्ट है उन पे बहुत ज्यादा काम किया है। तो एक बंदा जिसकी कमर के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें रही हो, जो काफी कमर के दर्द से परेशान हो, वो अपने मेन एक्सरसाइजेस डेडलिफ्ट के और स्क्वाट्स के अराउंड रखे, ये मैं बिलीव नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब बात करते हैं, जैसे जैसे बात कर ही रहे थे हम लोग एज की, 57 ईयर एज में अपना बॉडी फैट परसेंटेज बिलो 10 लेके आना, शाहरुख खान की बॉडी को देख के जो करंट मूवी में आई है मैं आराम से कह सकता हूं कि इनका बॉडी फैट परसेंटेज बिलो 10 है, उस पर लेके आना पॉसिबल है या नहीं है? अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। शाहरुख खान है, उन्होंने कोई जादू किया हो, उनके पास में ऑफकोर्स पैसे हैं, उनके पास में उनके डिस्पोजल पे वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर्स हैं, सेलिब्रिटी ट्रेनर्स हैं, और उन्होंने काफी शायद उसमें इन्वेस्ट किया हो, डॉक्टर्स लगा दिए हो पीछे, शायद कर भी लिया हो, लेकिन नेचुरली वो क्वेश्चनेबल है। शाहरुख खान ने कभी जो है एक क्लियर कट आंसर नहीं दिया है कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, चाहे वो पहले हो चाहे अब हो। हाँ, उन्होंने एक जरूर आर्टिकल छपा था उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक मशीन को प्रमोट करने के लिए, जो कि ऑस्ट्रिया बेस्ड एक डॉक्टर हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आई डोंट नो, लेकिन एक मशीन डेवलपर है, उसका एक प्रोडक्ट आता है टेक्नोशेप के नाम से, जो आपके मिड रिफ पे यानी कि आपका जो एब्स के एरिया का अराउंड का एरिया है उस पर काम करता है, जो गारंटी देता है कि आपका 7.5 इंची से ऊपर जो है वो फैट या आपका सरकमफ्रेंस जो है कमर का वो कम कर देता है। वो आर्टिकल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था या प्रमोट करने के लिए उस मशीन्स को, ये कह गया कि उन्होंने वो यूज किया है, मैं उसकी भी फोटो डाल दूंगा, साथ में जो मशीन यूज की है टेक्नोशेप उसकी भी फोटो है उसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा जादू ये मशीन भी नहीं कर सकती, लेकिन अगेन शाहरुख खान साहब तो हो सकता है उन्होंने कुछ और किया हो। अब बात करते हैं इनके ट्रेनर की। दोबारा से इनके ट्रेनर बोलते हैं 45 मिनट्स डेली वर्कआउट करते थे पिछले 4 साल में। 45 मिनट्स डेली वर्कआउट करके अपनी डाइट को, वो कहते हैं कि उनकी डाइट में सिर्फ लीन मीट, एग्स और दालें रखी गई हैं जो कि इन्होंने खाई हैं। ये सब करके शाहरुख खान ऐसी फिजिक पा सकता है? तो आंसर मेरा वही है कि शायद। आगे और बात करें, कुछ और इंटरव्यूज के देखें, शाहरुख खान साहब ने क्रेडिट दिया अपनी फिजिक को भी, कोविड के टाइम भी आ गए 4 सालों के बीच में, तो उन्होंने टिप्स ली टाइगर श्रॉफ से, सलमान खान से, सलमान खान जिन्होंने कैमियो भी किया है इस मूवी के अंदर, तो
उन्होंने ये भी कहा कि वो जिम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके ट्रेनर बोलते हैं कि उन्होंने 45 मिनट्स डेली वर्कआउट किया, तो किया होगा, बिल्कुल मैं मानता हूं किया होगा। लेकिन एक बंदा जिसकी एज 57 ईयर है, 4 साल जब पीछे ही मान लेते हैं, 53 ईयर की एज में 45 मिनट्स डेली वर्कआउट करके ऐसी फिजिक पा सकता होता, तो बिलीव कीजिए आप और मैं और दुनिया के हजारों लोग ऐसी फिजिक लेकर रोड पे घूम रहे होते, पहली बात। तो दूसरी बात, इस एज में पॉसिबल साइंटिफिकली नहीं है। पॉसिबल है साइंटिफिकली, लेकिन वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो सारी बात घूम फिर के आती है कि जैसा इस वीडियो का टॉपिक भी है और जैसा मैं शुरू में बात की थी कि क्या ये नेचुरल है, तो बात वही आती है कि देखें, जब आप शाहरुख खान की बात करते हैं, वो जो कह रहे हैं वो कुछ और है। अब उनके ट्रेनर की बात करते हैं, वो जो कह रहे हैं वो कुछ और है। जो रिजल्ट हम देख रहे हैं बॉडी पे उनकी, वो जो कह रहे हैं वो बात कुछ और है। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि झूठ के पैर नहीं हुआ करते, यानी कि अगर आपका झूठ अगर आप बोल रहे हैं, तो अगर अलग अलग जगह पे आप जाके बोलेंगे तो आपकी स्टोरीज कभी मैच नहीं करेंगी। और ये हो भी रहा है, शाहरुख खान साहब कुछ और बोल रहे हैं, उनका ट्रेनर कुछ और बोल रहा है, उनकी बॉडी कुछ और बोल रही है, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर कुछ और बोल रहा है, उनका जो मेहनत जो दिख रही है फिजिक के ऊपर वो कुछ और बोल रही है। तो अगर इन सब बातों को जोड़ें तो आप और मैं बेवकूफ नहीं है। आज का जमाना पढ़े लिखों का जमाना है, काफी लोग पढ़ लिख गए हैं, अवेयरनेस बहुत फैल चुकी है। एक और एक जमा करने पर दो बनते हैं, आपको और मुझे मालूम है। लेकिन यहां पर जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसमें एक और एक दो भी नहीं, 11 भी नहीं, 111 बताए जा रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, शाहरुख खान ने बहुत मेहनत की है, उसका क्रेडिट मैं उनको दे रहा हूं। उसने बहुत मेहनत करी है, उसने चाहे कोई उसने फैट बर्नर्स लिए हैं, या उसने कोई स्टीरॉइड्स लिए हैं, या उसने कुछ भी लिया है, या उसने फैट लॉस सर्जरीज कराई है, उसने जो कुछ भी किया है, लेकिन उसने बहुत मेहनत करी है इस लेवल पे, इस एज में ऐसी फिजिक बनाने के लिए, तो उसका क्रेडिट उसको देना पड़ेगा, एंड आई सल्यूट हिम फॉर दैट। बट मेरी सारी दिक्कत इस चीज से है कि ये लोग कॉमन लोगों को रियलिटी क्यों नहीं बताते हैं, इनके कोचिज रियलिटी क्यों नहीं बताते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम लोग बेवकूफ बने रहें, हम लोग अंधेरे में रहें, उससे इन लोगों का फायदा क्या है। मैं इसको, इस ट्रेनर को और शाहरुख को ज्यादा रिस्पेक्ट करता अगर वो खुल के बोलता कि मैंने इस एज में जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है उसको पाने के लिए कुछ अननेचुरल सब्सटेंस यूज किए हैं, और मैं एडवाइस करता हूं कि और लोग ऐसा ना करें क्योंकि ये मेरा धंधा है। उसका जो एक्टर है शाहरुख, उसका धंधा है, उसकी फिजिक से, उसके लुक से, उसकी एक्टिंग से उसका घर चल रहा है भाई। अगर वो ये सब कर रहा है तो वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, लेकिन इस बात को छुपा के वो जितने लोगों को गुमराह करेगा, वो जाएंगे जिम में, उनके कोचेज उनको बेवकूफ बनाएंगे, मेहनत भी करेंगे, अल्टीमेटली वो बेवकूफ बन के गलत सब्सटेंस भी यूज करेंगे, अपनी जिंदगी भी खराब करेंगे। देखिए, शाहरुख के पास में बहुत पैसा है, वो करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़पति इंसान है, वो अपने को मॉनिटर भी कर रहा होगा, अपने ब्लड वर्क करवा रहा होगा, अपने को टेस्ट भी कर रहा होगा, अपने ट्रेनर, डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, उसने सारे बहुत क्वालिफाइड लगा रखे होंगे, वो साइड इफेक्ट अपनी बॉडी पर नहीं आने देगा, और वो उसको मेंटेन भी कर लेगा। लेकिन आप कर लेंगे ये अफोर्ड? उसके जो फैन बेस है वो बहुत बड़ा फैन बेस है, करोड़ों लोग उसके फैन हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर आके बोले कि भाई, मैंने जो किया है वो मेरी रोजी रोटी है, आप मेहनत करें, वर्कआउट करें, अच्छी एक्सरसाइज करें, अपने आप को मेंटेन रखें, सालों साल करें एक्सरसाइज, अपना एक्सरसाइज करना ना छोड़ें, अपने आप को फिट बना के रखें, वो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से मैंने किया है उस तरीके को फॉलो ना करें, क्योंकि वो तरीका नेचुरल नहीं है। बिलीव मी, उसकी रिस्पेक्ट बहुत अलग लेवल पर पहुंच जाती है मेरी नजरों में, या और लोगों की नजरों में भी, लेकिन ऐसा केस तो नहीं है। चलिए, उनके कोच की बात मान भी लेते हैं, और मान लेते हैं कि वो पिछले 25 साल से उनको ट्रेन कर रहे हैं, और 25 साल में उन्होंने बहुत मेहनत की है, और 25 साल की मेहनत करके उन्होंने, 4 साल की नहीं, 25 साल की मेहनत मान रहा हूं मैं, उन्होंने ये फिजिक बना ली है। तो मैं यहां पर इनकी पठान मूवी रिलीज से 1 महीने पहले, जब इनका बर्थडे था, बुर्ज खलीफा के जिनके बैकग्राउंड में, तब की फोटो डाल देता हूँ, आप इसमें इनकी कंडीशन देख लीजिएगा, मैं यहां पर वो फोटो जरूर डालूंगा।
अगर ये मेहनत कर ही रहे हैं और इतने नेचुरली उन्होंने बनाया है, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और इतना अच्छा वर्कआउट करके इतने अच्छे ट्रेनर के अंदर उन्होंने फिजिक पाई है, तो ये फिजिक मेंटेन रेगुलरली क्यों नहीं हो रही है? ये फिजिक तो हमेशा ऐसी होनी चाहिए। जबकि शाहरुख खान के आप फोटो 1 साल पहले की उठा के देखें, 2 साल पहले की उठा के देखें, फिजिक कभी ऊपर कभी नीचे, सिर्फ मूवी के अंदर ही क्यों अच्छी हो रही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि झूठ के पैर नहीं होते, तो ये जो पिक्चर्स हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं आज, इनके जो ट्रेनर्स हैं उनकी बातें, शाहरुख खान की खुद की बातें, वो ना तो मैच कर रही हैं, ना रियलिटी से मैच कर रही हैं, ना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रही हैं, और ये बातें सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली है। मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ आप लोगों को ये है कि इन बातों को देख के आप बेवकूफ ना बने बने रियलिटी पर रहें। रियलिटी थोड़ी सी सख्त जरूर होती है, लेकिन आपको जमीन पे रखती है, और बहुत जरूरी है एक फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जमीन पे रहें, क्योंकि अगर आप जमीन पे ही खड़े नहीं हैं तो आप गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो बहुत सारे सपने टूटेंगे, आपके नहीं आपकी फैमिली के भी। तो मेहनत करें, फिट रहें, अच्छी डाइट लें, सेलिब्रिटीज को आप एडमायर भी करें, उनकी फिजिक्स को भी एडमायर करें, लेकिन उनके पीछे पहली बात बहस ना करें, दूसरी बात अपनी अकल लगाएं, और उनकी जो फिटनेस लेवल्स हैं वो जिस तरह से पाए हैं उनके पीछे भागने से बेटर है कि अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें हैं, नॉलेज गेन करें और अपना एक अच्छा फिटनेस रूटीन बनाएं, हेल्दी रहें, फिट रहें। तो ये आज का वीडियो था। अगेन, वंस अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट शाहरुख खान, आई एम नॉट अगेंस्ट हिज हार्ड वर्क। और रही बात उनके नेचुरल होने की या नहीं होने की, या जो उनकी फिजिक पाई है नेचुरल है या नहीं है ये साबित करने की, तो क्लियर कट वर्ड्स में अगर मैं बोलना चाहूं तो ये है कि उनकी फिजिक नेचुरल नहीं है, बिना किसी शक के। आज ही फिटनेस इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, आज ही वीडियो बनाने बंद कर दूंगा अगर कोई ये प्रूव कर दे कि ये इनकी फिजिक नेचुरल है। तो आप बिल्कुल खुले दिल से आके, प्लेटफॉर्म ओपन है, बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर कोई जानता है ऐसा कोई सीक्रेट जिससे कि प्रूव हो जाए कि शाहरुख खान साहब की जो फिजिक है वो नेचुरल है, तो मुझे इंतजार रहेगा ऐसे कमेंट्स का। आपके अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, जहां पर मेरा आईडी है feeldhepower.official, वहां जाके प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, वहां पर बहुत फ्रीक्वेंट अपडेट्स आते हैं और लाइफ के लिए, फिटनेस के लिए बहुत मोटिवेशनल टिप्स और कोट्स भी आते हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन फॉलोइंग, एंड आई रियली अप्रिशिएट द सपोर्ट विच यू हैव गिवन टू मी, एंड टिल अ टाइम वी मीट अगेन, कीप ऑन वॉचिंग एंड फील द पावर।